वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो टुडे वी आर गोइंग टू कवर द न्यू टॉपिक ऑफ मर्केंटाइल लॉ। द टॉपिक नेम इज ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। फर्स्ट इज ऑफर। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन ए, व्हेन अ पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू और एब्सट्रेन फ्रॉम डूइंग समथिंग विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द असेंट ऑफ द दैट अदर टू सच एन एक्ट और एब्सटिनेंस, ही इज सेड टू मेक अ प्रपोजल। सो ऑफर का क्या मतलब है? जब कोई भी पर्सन आपको अपनी विलिंगनेस शो करता है कि वो ये काम करना चाहता है या ये चीज नहीं करना चाहता है, ठीक है? आपको किसी चीज के लिए कहता है, लेट्स लेट सपोज आई एम टेलिंग समवन दैट आई वांट टू सेल यू माय कार, सो आई एम ऑफरिंग हिम माय कार, राइट? तो इसमें अब नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ ऑफर। ऑफर की कई टाइप्स हो सकती हैं, एक्सप्रेस, इम्प्लाइड, स्पेसिफिक, जनरल, क्रॉस, काउंटर, स्टैंडिंग, राइट? सो फर्स्ट इज एक्सप्रेस ऑफर। व्हेन द ऑफर इज गिवन टू अनदर पर्सन आइदर इन राइटिंग और इन ऑरल। एक्सप्रेस ऑफर को क्या कहते हैं? जब हम किसी को ऑफर कर रहे हैं कोई चीज या तो लिख के आइदर इन राइटिंग या ऑरली बोल के, तो दैट इज एक्सप्रेस ऑफर। नेक्स्ट इज इम्प्लाइड ऑफर। व्हेन द ऑफर इज गिवन टू अनदर पर्सन नाइदर इन राइटिंग नॉर इन ऑरल। इम्प्लाइड का मतलब है हमारी एक्ट के कारण या हम कोई ऐसी चीज कर रहे हैं, हमारी एक्टिविटीज से पता चल रहा है कि वी आर ऑफरिंग समथिंग टू अनदर पर्सन, चाहे हम बोल के नहीं कह रहे या उसको रिटर्न में नहीं दे रहे। लेट सपोज मैं किसी को कप ऑफ टी पकड़ा रही हूँ, या मैं उसको बोल के नहीं बता रही हूँ या ऑरली कुछ नहीं कह रही हूँ, लेकिन उसको पकड़ा रही हूँ, तो मैं मेरे एक्ट से पता चल रहा है कि आई एम ऑफरिंग टी टू अनदर पर्सन। नेक्स्ट इज स्पेसिफिक ऑफर। व्हेन द ऑफर इज गिवन टू अ स्पेसिफिक पर्सन, जब किसी एक बंदे को ऑफर किया जाता है, दैट इज स्पेसिफिक ऑफर। जनरल ऑफर, जब हम ओवरऑल सबको ऑफर कर रहे हैं। व्हेन द ऑफर इज गिवन टू एंटायर वर्ल्ड, एडवर्टीजमेंट आ रही है, ठीक है, एडवर्टीजमेंट में वो डिस्काउंट मेंशन कर रहे हैं, तो दैट ऑफर इज फॉर एंटायर वर्ल्ड। उस एडवर्टीजमेंट के बेस पे उस कोई भी वो चीज खरीद सकता है, वो डिस्काउंट अवेल कर सकता है, तो दैट इज अ जनरल ऑफर। क्रॉस ऑफर, व्हेन बोथ द पार्टीज आर मेकिंग इन आइडेंटिकल ऑफर्स टू ईच अदर, एक दूसरे को आइडेंटिकल सेम ऑफर कर रहे हैं। लेट सपोज मैंने किसी को ऑफर की आई वॉन्ट टू बाई यूर कार, एंड और उसने मुझे सेम तरह का दूसरा कोई ऑफर दे दिया, दैट इज ठीक है, टाइप ऑफ क्रॉस ऑफर। काउंटर ऑफर होता है व्हेन अ पर्सन टू होम द ऑफर इज मेड इंस्टेड ऑफ एक्सेप्टिंग द टर्म्स ऑफ द ऑफरर डिजायर मॉडिफिकेशंस ऑफ द सेम। काउंटर ऑफर का मतलब क्या है कि मैंने किसी को ऑफर किया कि आई वॉन्ट टू सेल माई कार टू यू, ठीक है, अब उसने मुझे ऊपर से दोबारा ऑफर कर दिया कि मैं वो कार तब खरीदूंगा अगर आप इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस या कुछ स्पेसिफाइड चेंजेस करोगे, उसका थोड़ा कलर चेंज करवाओगे या उस पर थोड़ी डिजाइनिंग करवाओगे। सो दिस मैंने उसको ऑफर किया, लेकिन उसने उसने उस ऑफर को चेंज करके एक नया ऑफर दे दिया मुझे, ठीक है, सो दैट इज अ काउंटर ऑफर। स्टैंडिंग ऑफर, एन ऑफर विच रिमेन्स कंटिन्यूसली एनफोर्सेबल फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। लेट सपोज जैसे हम कहते हैं फ्लैट 50% ऑफ टिल 30th ऑफ दिस मंथ, ठीक है, वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए ऑफर चल रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, स्टैंडिंग ऑफर। नेक्स्ट इसमें एक केस स्टडी आती है, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल्स कंपनी लिमिटेड की। द कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी मेक अ प्रोडक्ट कॉल्ड स्मोक बॉल्स एंड क्लेम्ड इट टू बी क्योर फॉर इन्फ्लुएंजा इट इज इफ इट इज यूज अकॉर्डिंग टू द गिवन प्रिस्क्रिप्शन। They also stated in the advertisement that a reward of £100 will be given to the person if anyone contracted influenza after using it according to given prescriptions. Mrs. Carlyle used the product as stated and contracted influenza and claimed that the company should pay a reward to her. अब ये केस स्टडी क्या है? कार्बोलिक स्मोक कंपनी है, थी एक, जो कि स्मोक बॉल्स बनाती थी, और उसपे ये लिखा था कि अगर उसको अकॉर्डिंग टू प्रिस्क्रिप्शन यूज किया जाए तो ये इन्फ्लुएंजा को ठीक करने में हेल्प करती है, ठीक है, अगर किसी बंदे का ये इन्फ्लुएंजा नहीं ठीक कर पाती तो उस बंदे को रिवॉर्ड मिलेगा £100 का, ठीक है, ये एडवर्टीजमेंट में स्टेट किया गया। उसके बाद मिसेस कार्लिल ने वो प्रोडक्ट एज स्टेटेड, मतलब जैसे प्रिस्क्राइब किया गया वैसे यूज किया, लेकिन उसको इन्फ्लुएंजा हो गया या उसका इन्फ्लुएंजा क्योर नहीं हुआ, ठीक है, तो उसने कंपनी से क्लेम किया रिवॉर्ड कि अब आप मुझे रिवॉर्ड पे करो। तो इसमें कोर्ट ने क्या बताया, ठीक है,
First is that the advertisement was not a unilateral offer to all the world, but an offer restricted to those who acted upon the terms. Advertisement क्या है? ऑफर है, लेकिन उन लोगों के लिए जो वो ऑफर लेना चाहते हैं. अब एडवर्टीजमेंट न्यूज में आती है, लेकिन वो एडवर्टीजमेंट उन लोगों के लिए है जो उस एडवर्टीजमेंट के ऊपर एक्ट करते हैं और वो चीज खरीदना चाहते हैं. दैट द सेटिस्फाइंग कंडीशंस फॉर यूजिंग द स्मोक बॉल कॉन्स्टिट्यूटेड एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर. अगर किसी ने वो स्मोक बॉल्स यूज की है उस एडवर्टीजमेंट को देखे, इट मीन्स उस पर्सन ने वो ऑफर एक्सेप्ट कर लिया है. ठीक है. दैट द परचेजिंग ऑफ मेयरली यूजिंग द स्मोक बॉल्स कॉन्स्टिट्यूटेड गुड कंसिडरेशन. अब कंपनी को भी इन रिटर्न कंसिडरेशन मिल गया है, क्योंकि दूसरे बंदे ने उनकी चीज खरीद ली है. ऑफर और एक्सेप्टेंस के साथ कंसिडरेशन भी होना चाहिए. ठीक है, कंसिडरेशन भी मिल गया है और कंपनी ने रिवॉर्ड के जो पैसा है, ठीक है, वो 1000 pound नहीं है, 100 pound है, वो उन्होंने जमा करवा दिया है बैंक में. इट मीन्स कंपनी की भी इंटेंशन है लीगल बाइंडिंग में आने की. तो इसमें ये किया गया कि द ऑर्गेनाइजेशन इज रिक्वायर्ड टू पे द अमाउंट टू मिसेस कार्लिल, क्योंकि ऑफर भी है, एक्सेप्टेंस भी है, कंसिडरेशन भी है, और क्योंकि कंपनी ने वो पैसा ऑलरेडी रिवॉर्ड का पैसा बैंक अकाउंट में जमा करवाया हुआ है. इट मीन्स उनकी इंटेंशन है लीगली बाउंड होने की. नेक्स्ट इज लीगल रूल्स. अब क्या है ऑफर के? फर्स्ट इज ऑफर मस्ट बी गिवन विद द इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप. ऑफर उस हिसाब से आपने करना है कि आपकी इंटेंशन है कि आप लीगल रिलेशनशिप किसी के साथ क्रिएट करना चाहते हो, मतलब आप लीगली किसी को कोई चीज ऑफर कर रहे हो. ऑफर मस्ट बी डेफिनेट, एक पर्टिकुलर चीज के बारे में ऑफर होना चाहिए. ठीक है. देयर इज डिफरेंस बिटवीन ऑफर एंड इन्विटेशन टू ऑफर, इन्विटेशन टू सेल. ऑफर मीन्स जब आप एक स्पेसिफिक पर्सन को करते हो. इन्विटेशन टू ऑफर मीन्स अब एक कह लो कि डिस्प्ले किए हुए हैं प्रोडक्ट्स किसी शोरूम में, दैट इज एन इन्विटेशन टू ऑफर. ठीक है, वो आपको डायरेक्टली ऑफर नहीं कर रहे, वो आपको इन्वाइट कर रहे हैं कि आओ, मतलब आप खुद जाके वहां देख रहे हो, दैट इज एन इन्विटेशन टू ऑफर. ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड. कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर इज कम्प्लीट ओनली वेन इट रीचेज टू हूम इट इज मेड. उसके बाद अब आपने ऑफर किया है किसी पर्सन को कोई चीज सेल करने के लिए, तो वो कम्युनिकेशन कम्प्लीट भी होनी चाहिए. वो कम्प्लीट कब होगी? जब वो मैसेज दूसरे बंदे तक पहुंचेगा दैट यू वॉन्ट टू सेल दिस थिंग टू अनदर पर्सन. राइट. मेयर स्टेटमेंट ऑफ प्राइस इज नॉट एन ऑफर. अगर सिर्फ आप एक प्रोडक्ट के ऊपर प्राइस टैग लिखा हुआ है, ठीक है, वो ऑफर नहीं है, वो जस्ट इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ प्राइस. अब इसमें केस स्टडी है हार्वे वर्सेस फैसी की. फर्स्ट टेलीग्राम फ्रॉम हार्वे टू फैंसी, विल यू सेल अस बम्पर हॉल पेन, टेलीग्राम लोएस्ट कैश प्राइस. ठीक है, हार्वे ने फैंसी को किया है टेलीग्राम कि आप अपना बम्पर हॉल पेन हमें सेल करना चाहते हो तो हमें लोएस्ट प्राइस बताइए. फैंसी रिप्लाइड ऑन द सेम डे, उसने उसी दिन रिप्लाई कर दिया, लोएस्ट प्राइस फॉर द बम्पर हॉल पेन इज 900 pound. Harvey then replied in the following words, we agree to buy bumper hall pen for the same sum of 900 pounds asked by you. Please send us your title deed in order that we may get early possession. ठीक है, ऑफर है, एक्सेप्टेंस है, और दोनों में प्रॉपर कम्युनिकेशन, प्रॉपर कंसिडरेशन है, तो ये जो है लीगल बाइंडिंग में आ सकते हैं. नेक्स्ट इज एक्सेप्टेंस. उसके बाद टर्म आ जाती है एक्सेप्टेंस की. एक्सेप्टेंस क्या होता है? व्हेन अ पर्सन मेड अ प्रपोजल टू अनदर to whom proposal is made, if proposal is assented thereto, that is called acceptance. आपने किसी को कोई चीज सेल करने के लिए या वैसे कोई कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए ऑफर दिया, अगर वो ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है, उसमें यस कर देता है, दैट इज कॉल्ड एक्सेप्टेंस. एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट. अब लीगल रूल्स क्या है? एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल. एब्सोल्यूट मतलब आपने डायरेक्टली आइदर यस आइदर नो नहीं करना, और इट मे बी यस और मे बी नो नहीं करना. इट मस्ट बी एब्सोल्यूट, प्रॉपर यस होना चाहिए, और उसके साथ कोई कंडीशन अटैच नहीं होनी चाहिए. एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन इन प्रिस्क्राइब मोड. अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि एनी वन हु वॉन्ट टू एक्सेप्ट दिस, ही शुड गिव द एक्सेप्टेंस इन राइटिंग या थ्रू मेल, तो जिस हिसाब से उन्होंने एक्सेप्ट करने को बोला है, आपने उसी तरीके से एक्सेप्ट करना है. एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन बिफोर द लैप्स ऑफ टाइम और विद इन रीजनेबल टाइम. जितना टाइम फ्रेम आपको गिवन है, लेट सपोज अगर कोई ऑफर है और उसके नीचे लिखा है कि एनी वन हु वॉन्ट्स टू एक्सेप्ट दिस ऑफर ही शुड रिप्लाई बिफोर 31st, तो आपने बिफोर 31st ही उसका रिप्लाई करना है. एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन बाय पर्सन इन केस ऑफ अ जर्नल ऑफर. जर्नल ऑफर के अलावा इट मस्ट बी गिवन बाय अ पर्सन. एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन बाय द पर्सन टू हूम द ऑफर इज मेड.
जिसको आपने ऑफर किया है या तो वो एक्सेप्ट करेगा या उसने कोई ऑथराइज्ड पर्सन रखा हुआ है अपनी जगह पे सिग्नेचर करने के लिए तो वो एक्सेप्ट करेगा। एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड। अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया है ऑफर तो आप वो कम्युनिकेट करके अदर पार्टी को बताओगे कि यस आई हैव गिवन माई एक्सेप्टेंस। मेंटल एक्सेप्टेंस इज नॉट नो एक्सेप्टेंस और एक्सेप्टेंस मस्ट बी डिराइव फ्रॉम साइलेंस। अगर आप किसी ने आपको कोई चीज ऑफर की, लेट सपोज किसी ने कहा कि आई वॉन्ट टू बाई योर कार, ठीक है, मैंने आगे से कोई जवाब नहीं दिया, तो वो अपनी मर्जी से मेरी साइलेंस को एक्सेप्टेंस मान के नहीं चल सकते, ठीक है, या अपने दिमाग में ये सोच के नहीं चल सकते यस ही शी हैज एक्सेप्टेड। सो मेंटल एक्सेप्टेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस मस्ट नॉट बी प्रेसिडेंट टू ऑफर, मस्ट नॉट बी प्रेसिडेंट टू ऑफर, मतलब ऑफर से पहले आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते, जब आपको ऑफर मिला है आप उसके बाद ही एक्सेप्ट कर सकते हो। नेक्स्ट इज रेवो। सो दिस वॉज द होल टॉपिक फॉर द टूडे। नेक्स्ट टाइम वी विल डू द रेवोकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस।